हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 11th इन दिस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम योर हॉर्नबिल बुक। द नेम ऑफ योर चैप्टर इज द एलिन प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोड। ये चैप्टर लिखा गया है नैनी पालकीवाला के द्वारा, और इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं हमारे अर्थ के बारे में, ठीक है, जिसको नेम दिया गया है दी एलिन प्लैनेट। एलिन प्लैनेट डेफिनेटली उसको इसलिए बोला गया अर्थ को, क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे चीजें हुई है इनके साथ ह्यूमन बींग्स के द्वारा, जिसने इनको अस्वस्थ या बीमार कर दिया। इसी कारण से इस चैप्टर का नाम दिया गया है एलिन प्लैनेट, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम एक सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड, ये चैप्टर है हमारे अर्थ या हमारे इन्वायरमेंट को लेकर। तो पूरे चैप्टर में हम इस तरह की कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इस अर्थ को सेफ रखने के लिए, इसके सेफ्टी के लिए, इसके फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट्स में कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रीन मूवमेंट, इस अर्थ को बचाने के लिए या इसके वेलफेयर के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था जिसको बोला गया था ग्रीन मूवमेंट। सेकेंड, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर में थर्ड नंबर में अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। उसके बाद फोर्थ नंबर में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। देन हम फिफ्थ नंबर में डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है, इंक्रीजिंग वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स में हम इस पूरे चैप्टर को देखने वाले हैं। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ग्रीन मूवमेंट। तो ग्रीन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था उस टाइम में जो 1972 में स्टार्ट हुआ था न्यूजीलैंड से, आप याद रखेंगे। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो पहली बार हमारे अर्थ में लिया गया था एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है। पहली बार लोगों ने ये सोचने स्टार्ट किया कि जो हमारा अर्थ है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है और उसका खुद का भी एक मेटाबॉलिज्म नीड्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर लोगों ने सोचना स्टार्ट किया और लोग अवेयर हुए कि जो हमारी अर्थ है उसको प्रिजर्व करके रखने की जरूरत है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ताकि इन फ्यूचर हमारे अपकमिंग जनरेशंस को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो सके। तो इसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको ग्रीन मूवमेंट नाम दिया गया, ठीक है। उसमें लोगों ने बहुत सारे कुछ अलग अलग कमीशंस बनाए, बहुत सारे ऐसे कमिटीज बने जिसने लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे आप, ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड ऑन 1972 फ्रॉम न्यूजीलैंड, ठीक है। चलो उसके बाद हम देख लेते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट। तो ग्रीन मूवमेंट जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके बाद बहुत सारे कुछ वर्ल्ड कमीशंस बने एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है, जिसमें जिनका मेन काम था लोगों को अवेयर करना अर्थ के जो डेवलपमेंट है, कंसिस्टेंट डेवलपमेंट, और उनकी उनसे रिलेटेड जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही है उसको रोकना, ठीक है। और हमारे आने वाले जो जनरेशन्स है, अपकमिंग जनरेशन्स, उसके लिए जितने भी वर्ल्ड रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको बचा कर रखना या प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे राइटर है लिखते हैं, एक जू बनाया गया था इसी कड़ी में, लोगों को अवेयर करने की कड़ी में, लुसाका जाम्बिया में, जहाँ पर उस जू के एक बहुत बड़ा केज था, उसके बाहर एक बोर्ड लगाया गया था कि इस केज के अंदर वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है। इस केज के अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक जानवर है। लोग बड़े इंटरेस्टिंग वे में इसको देखने के लिए उस केज के अंदर घुसते थे, और जब जैसे ही वहां पर लोग एंटर करते थे अंदर, तो उनको एक बहुत बड़ा मिरर ही दिखता था सिर्फ, उसके अलावा कोई जानवर या कोई एनिमल वहां नहीं रहता था। उस मिरर में उस ह्यूमन बींग्स को, आदमी को अपना खुद का फेस दिखता था, जिनसे उनको ये रियलाइज होता था कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे खतरनाक जानवर है तो वो कौन है, आदमी ही है या ह्यूमन बींग्स ही है। तो ये बहुत ही अच्छा एक आइडिया था लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं हमारे राइटर की साइंटिस्ट लोगों ने इस पूरे अर्थ में लगभग 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज कैटेगराइज किए थे। सी, ये जो चैप्टर है ये लिखा गया, ये पब्लिश हुआ था एक आर्टिकल के रूप में एक न्यूज़पेपर में 1994 में, ठीक है। तो जितने भी इसमें डेटा हम देखेंगे वो 1994 के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 25 to 26 ईयर्स पास्ड हो गए हैं इस आर्टिकल को या इस चैप्टर को लिखे हुए। तो हम अभी प्रेजेंट डेटा के ऊपर बात करेंगे। तो उस टाइम में 1994 में 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज कैटेगराइज कर लिए थे साइंटिस्ट लोगों ने, लेकिन इन सब के बाद भी राइटर बताते हैं कि 300 to 100 मिलियंस और ऐसे स्पीसीज है इस अर्थ में जिसको साइंटिस्ट लोग अभी नहीं ढूंढ पाए हैं, या तो जो अभी भी अननेम्ड है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हमारे सामने। नेक्स्ट वो लिखते हैं एल के झा, जो कि एक अर्ली इंटरनेशनल कमिटी का मेंबर था, जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे, जो कि और बहुत फेमस पर्सन थे एल के झा, मिस्टर एल के झा। उसने दुनिया के सामने एक क्वेश्चन
अराइज किया था करंट सिचुएशन को देखकर, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट के ऊपर चीजें हो रही थी उनको देखकर उसने एक क्वेश्चन अराइज किया कि क्या हम हमारे अपकमिंग जनरेशन के लिए ऐसी स्कॉर्ज प्लैनेट या झुलसा हुआ एक ग्रह जो जिसमें लगातार डेजर्ट बढ़ रही है और जो जिनका जो लैंडस्केप है या जो दृश्य है, जो भौगोलिक भूदृश्य है, वो हम लगातार खराब होती जा रही है, इस तरह से झुलसे हुए ग्रह को क्या हम अपने जनरेशन को सौंपने जा रहे हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन अराइज किया था दुनिया के सामने मिस्टर एल के झा ने, जो कि एक इंटरनेशनल कमीशन के मेंबर थे इंडिया से। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे इस चैप्टर में अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में। तो लिस्टर आर ब्राउन थे जिसने अपने एक बुक में जिसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसमें अर्थ के 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बताए, ठीक है। उनके मुख्य 4 बायोलॉजिकल सिस्टम कौन कौन से हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। तो इस तरह से 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स उसने बताया और उसने ये बोला कि ये 4 जो सिस्टम्स हैं, दिस आर द बेस ऑफ ऑल द थिंग्स इन दिस अर्थ। ये जो चारों चीज़ है वो पूरे जितने भी एक्टिविटीज़ है इस अर्थ में उसके बेस, ग्लोबल जितने भी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है उसके मेन फाउंडेशन है ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम। इन्हीं से दुनिया के सारे स्पीसीज को फूड्स मिलते हैं, ठीक है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड्स। इन्हीं से सभी इस तरह की स्पीसीज को फूड्स मिलते हैं। इंडस्ट्रियल जो चीज़ें होती है लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी इन्हीं चारों चीज़ों से ही रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। तो इस तरह से ये चारों चीज़ों को इकोनॉमिक सिस्टम का बेस बताया गया मेन। लेकिन अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ये देखने को मिल रहा है कि ये जो चारों मेन बेसिक जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, लगातार फिशरीज कम होते जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ हमारे इस वर्ल्ड में फिश एक बहुत ही एक बेसिक सा फूड मटेरियल बन गया है, तो फिशरीज लगातार कम होते जा रहे हैं जैसा कि हम देखते हैं। फॉरेस्ट लगातार डिसअपीयर्ड होते जा रहे हैं, जंगल लगातार कम होते जा रहे हैं, है ना। जो ग्रासलैंड्स है, ग्रासलैंड्स कन्वर्ट होते जा रहे हैं बैरन लैंड में, बंजर भूमि में बदलते जा रहे हैं, और क्रॉपलैंड्स भी जो फसल जहाँ पर हम उगाते हैं वो भी लगातार बैरन होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, उसकी उर्वरता या फर्टिलिटी जो होती है वो हमेशा लगातार कम होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत है चिंता का विषय है कि ये सारी जो मेन बायोलॉजिकल सिस्टम है वो हमारी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो कि डेफिनेटली हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट हम देखने वाले डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात किया यहाँ पर राइटर ने, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन जिसको बोला जाता है, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, जिसमें डेफिनेटली बहुत सारी स्पेसीज पाए जाते हैं हमारे इस वर्ल्ड के, लेकिन धीरे धीरे उनका भी डिस्ट्रक्शन होने लगा है, जिसके कारण से बहुत सारे स्पेसीज कम हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, गायब होने लगे हैं इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से, हमारे अर्थ से। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लगातार कम होते जा रहे हैं, अगर इनकी रेट को मेजर करें तो लगभग 40-50 मिलियन एकर ईयर के रेट से कम हो रहे हैं ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। 1994 के टाइम में जब ये आर्टिकल लिखा गया था उस टाइम में इस रेट से कम हो रहे थे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। उसने ये भी कहा कि इसको प्रिजर्व रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो एक टाइम के बाद ये पूरे फॉरेस्ट कम हो जाएंगे, और जो जिसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा हमारे अर्थ को या हमारे पूरे ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। वो आगे लिखते हैं कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीज़ें हुई हैं जिसके कारण फॉरेस्ट लगातार कम होते गए हैं। इंडिया में आर्टिकल 48A के तहत एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड कराता है कि हम जो भी गवर्नमेंट है वो एनवायरनमेंट को या वाइल्ड लाइफ को सेफ रखे, इसके तहत, इस आर्टिकल के तहत एनवायरनमेंट या वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी डिसाइड की जाती है। लेकिन इंडिया में रूल्स तो बनते हैं, ठीक है, लेकिन ना तो कोई उसको रिस्पेक्ट करता है, ना तो उसका अच्छे से पालन किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक आयरनी है, बहुत बड़ा विडंबना है कि यहाँ पर नियम कानून तो बनाए जाते हैं लेकिन उनको पालन अच्छे से नहीं किया जाता। जस्ट लाइक एक नियम या एक कानून बनाया गया इंडिया में कि यहाँ पर अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, है ना, यहाँ पर कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए, बाउंडेड लेबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत सारी जगह में हमको देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर रूल से लॉस तो बनते हैं बट उसको फॉलो नहीं किया जाता, जो कि बहुत ही बड़ी एक आयरनी है, बहुत ही बड़ा विडंबना है हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से फिर फॉरेस्ट को भी लेकर हुआ, यहाँ फॉरेस्ट को लेकर नियम कानून तो बने आर्टिकल 48 के तहत, तो उसको प्रिजर्व करना है ये तो बोल दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर वर्क नहीं हुए और इसी के कारण इंडिया में भी लगभग 3.7 मिलियन एकर एक पर ईयर के रेट से फॉरेस्ट लगातार कम हो रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही चिंता का विषय है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं इंक्रीजिंग ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन।
तो जैसा कि हम सबको पता है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ ही रहे हैं, लगातार बहुत फास्ट रेट से बढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की अगर डेटा देखें, तो जो फर्स्ट 1 बिलियन हुआ था मैनकाइंड या ह्यूमन बींग्स, वो 18th सेंचुरी में हुआ था, फर्स्ट 1 बिलियन। उसके बाद सेकेंड बिलियन होने में सिर्फ 100 साल ही लगे, 1900 सेंचुरी तक सेकेंड बिलियन एड हो गया इस वर्ल्ड के पॉपुलेशन में। उसके बाद नेक्स्ट 100 ईयर मतलब 2000 तक होते होते बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा और वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन हो गया 5.7 बिलियन, मतलब एक 100 साल में 3.7 बिलियन और एड हो गए, इतना फास्ट रेट से बढ़ा। उसके बाद अगर अभी 2020 में वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, तो वो हो चुका है लगभग 7.8 बिलियन। अभी एट प्रेजेंट 7.8 बिलियन लगभग इस वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन हो चुकी है, जो कि डेफिनेटली इस डेटा से पता चलता है कि कितना फास्ट रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, तो 1994 में इंडिया का पॉपुलेशन अराउंड 920 मिलियन था, ठीक है, 920 मिलियन। लेकिन अभी एट प्रेजेंट इंडिया का पॉपुलेशन है लगभग 1.33 बिलियन अरब, ठीक है, 1.33 बिलियन, जो कि डेफिनेटली बहुत ही चिंता का विषय है हमारी कंट्री के लिए भी। तो इस तरह से जो पॉपुलेशन बढ़े हैं और जो फॉरेस्ट कम हुए हैं, वो डेफिनेटली हमारे अर्थ को एलिंग करने में, बीमार करने में, अस्वस्थ करने में एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और अगर हमें अपने अर्थ को बीमार होने से बचाना है या हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा प्लानट हमको छोड़ना है, तो अभी से अवेयर होने की ज़रूरत है, अभी से काम करने की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। फॉरेस्ट को हमें बचाने हैं, पॉपुलेशन हमें कंट्रोल करके रखना है, ठीक है, तभी हम अपने अपकमिंग जनरेशन को एक अच्छा घर या एक अच्छा अर्थ प्रोवाइड करा पाएंगे। तो चैप्टर के लास्ट में मार्गरेट थैचर और मिस्टर लेशनर ब्राउन, दो अलग अलग पर्सन हैं, इन दोनों के विचार देखेंगे, ठीक है। मार्गरेट थैचर बोलते हैं, उन दोनों के अलग अलग सेंटेंसेस है। मार्गरेट थैचर बोलते हैं कि नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, किसी भी जनरेशन का इस अर्थ के ऊपर किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। उनके उनके सेंटेंस में कोई भी जनरेशन, चाहे हमारे फोर फादर्स हो, चाहे हम हो, चाहे हमारे अपकमिंग जनरेशन हो, किसी का भी इस एनवायरनमेंट के ऊपर या इस अर्थ के ऊपर अधिकार या फ्री होल्ड अधिकार नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है मिस्टर लेशनर ब्राउन, वो बोलते हैं कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। वो बोलते हैं कि हमने इस अर्थ को अपने फोर फादर से इनहेरिट नहीं किया है, बल्कि इसको हम हमारे अपकमिंग जनरेशन या हमारे बच्चों से उधार के रूप में लेके रखा है। मतलब इनके सेंटेंस को अगर हम देखें, तो ये समझ में आता है कि ये अर्थ, इस पर ना तो हमारा अधिकार है, ना तो हमारे फोर फादर्स का, बल्कि ज्यादा अधिकार किसका है, जो आने वाले जनरेशन है उसका, ठीक है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर होती है खत्म। पूरा चैप्टर एक इन्वायरमेंट अवेयरनेस के ऊपर है, ठीक है। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल में न्यू हो, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के आपके क्लास से रिलेटेड सभी चैप्टर्स की वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच।